इस वाले क्वेश्चन को देखो प्यारे बच्चे, इसमें क्या है कि हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, तीन पुली है, स्ट्रिंग मासलेस है, पुली मासलेस है, और हमें बेसिकली रिलेशन निकालना है एक्सलेशन A1 और A2 में। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ब्लॉक इधर खींचे जा रहा है, तो इसका एक्सलेशन A2 है और जो इसको खींच रहा है वो टेंशन फोर्स है, तो टेंशन T इधर है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है, बराबर है। और ये जो ब्लॉक अगर आप देखोगे, ये बेसिकली यहां से अगर आप देखने की कोशिश करोगे ये वाला ब्लॉक, तो ये नीचे आ रहा है, तो ये अगर नीचे आ रहा है तो इस पे टेंशन T ऊपर लग रहा है और ये एक्सलेशन इसका A2 है, तो इनमें एंगल वॉट इवर दैट इज 180 डिग्री। तो अब इसमें टेंशन होगा कितना, तो टेंशन होने के लिए बेसिकली हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्ट्रिंग अगर सेम है और मास लेस है तो उस स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम होता हर पॉइंट पे। तो एक स्ट्रिंग ऐसे पास हो गई और एक यहाँ एक सपोर्ट से अटैच है, बराबर है, और यहां से एक ब्लॉक अटैच है और एक ब्लॉक जो कि इधर अटैच है और कुछ ऐसे। तो आप देखो इस वाले चीज में, मतलब हम लोग अगर अच्छे से देखेंगे तो पता चलेगा एक स्ट्रिंग यहां से इसमें टेंशन टी हो गया और वही टेंशन टी यहां आएगा और वही टेंशन टी यहां आएगा और वही टेंशन टी यहां आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो बेसिकली मासलेस होती है तो टेंशन सेम होता है। तो अगर इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आप देखोगे इस पुली में वो टेंशन टी ऊपर गया और इसमें भी टेंशन टी ऊपर गया, तो नीचे कितना लग गया, नीचे लग गया 2T। तो इस ब्लॉक का अगर देखोगे, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो इस पे जो है वो 2T ऊपर लग जाएगा और एक्सलेशन A2 नीचे चला जाएगा, तो इन दोनों वेक्टर के भी जो एंगल है वो 180 डिग्री बन गया। और ये जो ब्लॉक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के अगर देखोगे तो इसमें टेंशन टी इधर लग गया और इसका एक्सलेशन A1 A2 इधर चला गया, तो थीटा इनके बीच बन गया 0 डिग्री। तो बेसिकली ये है। अब हम दोनों पे लगा देते हैं सिग्मा T.A इज इक्वल टू 0 ऑन बोथ ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक पे अप्लाई कर देते हैं। तो चलो लगा देते हैं इन दोनों ब्लॉक्स पे। तो पहले वाले ब्लॉक का टेंशन टी है, एक्सलेशन A2 है, कॉस 0, दूसरे वाले ब्लॉक का -2T है, A2 है और ये कॉस 180 डिग्री, दैट इज ऑल इक्वल टू 0। तो यहां से 0 ये A2 आ जाएगा और माइनस माइनस ये ए प्लस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा 2 times, ये A2 था 2 times A1, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये A2 है, ये जो है जिसमें टेंशन T है वो A2 है और ये A1 है बच्चों, ये A1 है, ये एक्सलेशन A1 है, तो ये जाएगा A1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो A2 है दैट इज इक्वल टू 2 times A1, दिस इज द मैग्नीट्यूड।